रखी हैं। चलिए अभी देखते हैं। ये देखिए अभी हम लोग उन्नाव जिले में हैं, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है संचानकूट, उसके आसपास। यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान हम लोगों ने यहाँ साइंटिफिक क्लीनिंग भी करी थी। अभी जगह मशहूर है दाने बाबा के नाम से, कि इसी समय ये जगह पूरा झाड़ी झंखाड़ियों से दबा हुआ था, तो इसकी साइंटिफिक क्लीनिंग करी गई और यहाँ से कई मूर्तियाँ भी मिली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैलीच है, ये उसके पत्थरों से बहुत अच्छा सेटिंग करके ये एक मंदिर बनाया गया था। ये आँखों से ओझल था, इस पर कई मूर्तियाँ भी निकली थी। यहीं के एक लोकल गांव वाले हैं पारस, मैं उनके ये मोबाइल दूंगा जिससे दिखाओ जरा। ये जो मूर्तियां हैं देखो, इसमें सब दिख रही हैं। आगे आगे बढ़ो, यहाँ से देखिए, ये देखिए ना, सब लगी यहाँ से देखिए, ये कुछ दिख रही है ना। हाथ पकड़ो साहब का। नहीं नहीं, बनाने देखिए, ज़्यादा हाथ हड़ताली बजा दो। हर जगह हर चीज दिखा दो वही मोबाइल में, आगे बढ़ के पूरा। ये वही हमको ये ताज्जुब है कि आखिर ये इतना अच्छा ये मंदिर बना हुआ, ये कैसे अदृश्य हो गया, कैसे लोग इसको भूल गए, कुछ इसमें रहा होगा। हाँ, रहस्यमय घटना रही होगी कुछ। तो मंदिर को भूलना मुश्किल है ना, यहीं लोग रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि ये बिल्कुल वो आवासीय ना रहा हो। ये सर इधर से आइए, ये इधर से करने का है। अभी हमको हमारे करने का लाओ दिखाओ है ना मूर्ति सर। ये देखिए काफी यहाँ मूर्तियां हैं। ओहो, थोड़ा सा इन लोग को ऐसे ही रख दिया गया है, थोड़ा जान समझ के नहीं रखा गया है। इनकी एक एक मूर्तियों का काफी अच्छा डिटेलिंग किया गया है, किसी ने यहाँ एक त्रिशूल भी लगा दिया है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है, काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ ये यहाँ पे। ये देखिए, ये एक विष्णु प्रतिमा है, ये खंडित प्रतिमा है, ये यहाँ से मिली थी। ये देखिए, ये इसके ये नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है। और ये देखिए, ये बगल में जो वो होती थी मंदिरों के बगल में, ये वो हैं। यहाँ पे थोड़ा संभल चलना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक आस्था की वजह से हम लोग नंगे पांव भी हैं, यहाँ सांप वगैरह होने की भी प्रबल संभावना है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। ये देखिए काफ़ी अच्छा, ये पूरे पत्थर की बनावट की ये सारी चीज़ें हैं। पता नहीं वो क्या स्थिति रही होगी कि ये सब सहज भाव से लोग इसको भूल गए थे। शायद एक मान्यता ये भी है कि खंडित मूर्तियों का पूजा वूजा नहीं होता है, शायद इस कारण इसको अबैंडन्ड कर दिया गया हो। ये देखिए, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसकी डिटेलिंग पूरी करी गई है। किधर? हाँ हाँ, लखनऊ के प्रोफेसर DP तिवारी साहब ने बकायदे लिखित रूप में ये सारी चीज़ें गांव वालों को दी थी। शायद अभी भी उसका सारा डिटेलिंग हम लोग पास मौजूद हो। ये आसपास भी कोई शायद मंदिर जैसा या कोई चीज़ दिख रहा है। वो देखिए दूर सई नदी भी दिख रही है यहाँ से। ये मंदिर काफ़ी पुराना रहा होगा। चलिए, पुरानी चीज़ों को देख के काफ़ी मुझे प्रसन्नता मिली है। लगभग 10-12 साल पहले हम लोग ने यहाँ साइंटिफिक क्लीनिंग करवाई थी, आज भी वह अवशेष यहाँ मौजूद हैं। मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता लगी है। हो सकता है कुछ इधर उधर हो गई हो, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। जय हिंद।